दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं आपके जो WhatsApp पे जो मैसेज आते हैं वो स्क्रीन पर ना दिखें, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में वो ना दिखें, और उन्हें आप बंद करना चाहते हैं तो आप कैसे बंद कर सकते हैं? बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और आपके WhatsApp पे कोई भी चैट मैसेज करेगा, कोई भी मैसेज आएगा तो स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको उन्हें बंद करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के उसमें जाएंगे, WhatsApp में थ्री डॉट पे यहाँ क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे या नोटिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यून वगैरह, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ट्यून है, ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से होगी, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक चलना है। सिंपल से आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ठीक है? और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, या फिर आपके फ़ोन में ऐप्स हो सकता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप आपको ढूंढ लेना है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे की तरफ चलना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा WhatsApp, WhatsApp पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से लॉक स्क्रीन वाली यहाँ पे बंद हो जाएगी, बैनर वाली बंद हो जाएगी, ठीक है? जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ शो हो रही है नोटिफिकेशन, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? तरह से आप ऑन रखेंगे, और बैनर वाली अगर आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ शो हो जाएगी, ठीक है? तो आपको सिंपल से ये देखो इस तरीके से ऑन है, ग्रुप की नोटिफिकेशन है, ठीक है? यहाँ पे आपके जो भी नोटिफिकेशन, चैट हिस्ट्री, बैकअप, इस तरीके से बहुत सारी यहाँ नोटिफिकेशन आपके सामने मिल जाएंगी। यहाँ पे सीधा इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है? जैसे मैंने बंद कर दिया, बंद करने के बाद आप बैक आएंगे। अब यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले पर आपको मैसेज शो नहीं होंगे, WhatsApp पे कोई भी मैसेज आएगा तो यहाँ पे केवल यहाँ पे शो होगा WhatsApp के ऊपर 2, 3, 4 जितने भी आए होंगे, ठीक है? बस आप उस पर क्लिक करेंगे और उसी तरीके से उसे हटा देंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। आपकी जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो गई होगी। जय हिंद।